हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसी क्रीम की जिसका प्रयोग आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किन के लिए कर सकते हैं, अपने चेहरे के लिए कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव क्रीम है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसे लगाने के बाद आपको किसी तरह के एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, ना ही किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रयोग किए गए हैं वो सारे नेचुरल हैं। इसके साथ साथ ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देने वाली है। 15 ग्राम की इस क्रीम के लिए लगेंगे आपको 399 रुपये। ये क्रीम गोलाइट USB नेचुरल लाइटनिंग क्रीम के नाम से उपलब्ध है, जो आता है सनस्क्रीन के साथ। ये काफ़ी अच्छा और नेचुरल बेस है। इनके जितने भी की इंग्रेडिएंट्स प्रयोग किए गए हैं वो आपके स्किन को बेनिफिट्स ही देने वाली है। जैसे इसमें प्रयोग किया गया है पेट्रोवाइट, इसके अलावा गलांगा एक्सट्रैक्ट, सैबी वाइट, लाइकोरिक एक्सट्रैक्ट, इस तरह के कई और भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं। इसमें जो पेट्रोवाइट और ग्लांगाना एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया गया है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके चेहरे को ब्राइटन करने में मदद करती है। इसके साथ साथ जो चेहरे में कालापन है, जो चेहरे पे काले दाग धब्बे आ जाते हैं, वो उसे कम करने में मदद करती है। इस क्रीम का प्रयोग आप मिलाजमा के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा झाइयों के लिए भी काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव है। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, इसके अलावा छोटे मोटे दाग धब्बे हैं चेहरे पे, और धूप के कारण ही स्किन में कई तरह की स्किन समस्या हो चुकी है, या धूप के कारण आपके चेहरे पे एलर्जी होता है, तो इन सब से बचने के लिए आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं और अपने चेहरे को धूप के इफ़ेक्टिव किरणों से बचा सकते हैं। स्किन की बात किया जाए तो सबसे पहले हम प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे सूर्य से, यानी सूरज से होने वाले जितने भी हानिकारक किरण हैं उनसे अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये आपके स्किन को ट्रीटमेंट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस क्रीम की अच्छी बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी स्टीरोइड का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही किसी भी तरह का हाइड्रोक्विनोन का प्रयोग किया गया है जो आपके चेहरे पे होने वाले एलर्जिक रिएक्शन का कारण बने। ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, यानी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ड्राई हो, या फिर ऑयली या कॉम्बिनेशन हो, सभी प्रकार के स्किन वाले आप यूज़ करें इसे और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह का क्रीम सूट नहीं करता है तो आप इस क्रीम का एक बार यूज़ करके देखें, ये आपको अच्छा रिजल्ट ही देने वाली है। कंपनी का दावा है कि इसे यूज़ करने के बाद 4 से 6 हफ्तों में ही आपको एक विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। आप देखेंगे कि आपके चेहरे की कंडीशन पहले से अच्छी हो रही है। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन भी मिल रहा है जो आपके चेहरे को ट्रीटमेंट करने के लिए बेस्ट है। जैसे कि बताया गया है, ये एक वाइटनिंग क्रीम है, यानी आपके चेहरे को पहले से ज़्यादा ब्राइटन करेगी, यानी आपकी स्किन पहले से ज़्यादा गोरी और अच्छी दिखाई देगी। इनके इंग्रेडिएंट सेफ होने के अलावा आपके चेहरे में जो ओपन पोर्स है उसे भी ये मिनिमाइज़ करती है। ये आपके ओपन पोर्स को कम करती है, इसके साथ साथ जो आपके रोम छिद्र है उसे ब्लॉक नहीं करती है। कई क्रीम्स या प्रोडक्ट यूज करते हैं तो देखेंगे कि उससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे आपके चेहरे पे पिंपल जैसे समस्या होने लगती है। तो ये क्रीम्स इन सबसे सेफ है, यानी आपके चेहरे को किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव से ये रोकती है। और इसका प्रयोग आप 2 समय कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। वैसे तो ये डे क्रीम है, लेकिन कंपनी कहना है कि 2 टाइम यूज करते हैं तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगी। और इस क्रीम का प्रयोग मेल एंड फीमेल सभी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रीम यूज करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर करें कि आप ये सूट कर रही या नहीं। अगर इनके इस तरह के आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होती है, जैसे आपको चेहरे पे जलन होता है, इरिटेशन या खुजली होती है, तो आप इसे लगाना बंद कर देंगे। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे। इस क्रीम का प्रयोग टीनेजर्स ना करें। आप प्रेग्नेंट वीमेन हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं तो भी इस क्रीम को अपने डॉक्टर के सलाह के द्वारा ले सकती है। वैसे तो ये सेफ है, फिर भी इन औरतों को अपने कोई भी प्रोडक्ट या क्रीम यूज करने से पहले अपने हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और बिना डॉक्टर के सलाह के यूज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गोलाइट क्रीम बहुत ही अच्छा वाइटनिंग क्रीम है जो आपके चेहरे को डैमेज स्किन से बचाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।